ब्राह्मण वर्ग है धम्मपद के अंदर, तो फिर वहां चमार वर्ग भी होना चाहिए, वहां क्षत्रिय वर्ग भी होना चाहिए, वहां शूद्र वर्ग भी होना चाहिए, वहां पे लोधा वर्ग भी होना चाहिए, वहां माली वर्ग भी होना चाहिए, वहां महार वर्ग भी होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जब बोधि प्राप्त की और अपने दुख के, अपने जितने भी जाले थे पाप के, वो सारे के सारे खत्म कर दिए और नए बने नहीं दिए, तो वो शुद्ध हो गए। और जब वो शुद्ध हो गए, शुद्ध को ही बाद में संस्कृत भाषा में शूद्र कहते हैं, कह सकते हैं कि वो शूद्र हो गए, शुद्ध हो गए, शूद्र हो गए, तो उनके बहुत सारे शिष्य बने। मगर ये ध्यान देना कि उन्होंने जब सारे बंधन खत्म कर दिए, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था के, जो वर्ण व्यवस्था थी यानी रंग भेद काले और गोरे का, वो भी खत्म कर दिया। कोई भी शिक्षा लेने आए, कोई भी पढ़ने आए, सबको पढ़ाते थे, और जो उनसे पढ़ने आता था, जो उनके गुरुकुल में आके शिक्षा ले लेता था, दीक्षा लेता था, उसकी कोई पहचान रहती नहीं थी। यानी कि उसका वर्ण भेद भी खत्म हो जाता था, रंग का भेद भी खत्म हो जाता था, उसका कोई अमीर गरीब है वो भी खत्म हो जाता था, कोई बहुत ज्यादा भेद या अंतर हो वो भी खत्म हो जाता था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध ने जब मनुष्य के नाम को भी खत्म कर दिया, यानी कि उसका जो ओरिजिनल नाम है वो भी नहीं रह जाता था, नाम बदल जाता था, और यहां तक कि बाल और मूंछ ये भी खत्म हो जाते थे, उसकी अपनी सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती थी, क्योंकि उसके अंदर मैं वाला कोई कुछ रहे ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सब कुछ किसी भिक्कू का खत्म कर दिया हो, तो उसके बाद भी उसको लोग बाद में ब्राह्मण या बमण या बामण कहें। और कैसे कोई आदमी कह सकता है कि कोई वग किसी ब्राह्मण या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर हो सकता है? जब कोई व्यक्ति ना समण रहता है ना बमण रहता है, यानी कि ना ब्राह्मण रहता है और ना मूल निवासी रहता है धम्म में आने के बाद, तो धम्म में इस बात की चर्चा कैसे, साहित्य में इस बात की चर्चा कैसे कि ये ब्राह्मण है ये ब्राह्मण नहीं है? क्योंकि समण वर्ग नहीं है धम्मपद में, ब्राह्मण वर्ग है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि सारिपुत्र जो है उसको कहा जाता है कि सारिपुत्र ब्राह्मण थे और महामोगल्यान ब्राह्मण थे। थोड़ा ध्यान अगर आप दोगे तो भारत की मूल निवासियों की एक कल्चर है जो माता प्रधान है, मातु प्रधान है। यहां जो बच्चे के नाम रखे जाते हैं, जो ओरिजिनल भारतीय लोग हैं, वो माता के नाम पर रखे जाते हैं, क्योंकि पिता तो कोई भी हो सकता है मगर माता एक ही रहती है, इसलिए माता प्रमुख है और माता प्रधान यहां का देश रहा है। तो सारी पुत्र का मतलब है सारी का पुत्र, यानी जब सारी पुत्र को हम बोलते हैं तो वो सारी नाम की जो औरत है, जो उसकी मां है, उसका पुत्र है। सारी पुत्र के पिता का नाम कहीं नहीं है। ऐसे जो महामोगल्यान है, वो मोगल्यान जो है वो उसकी मां का नाम है और दोनों दोस्त हैं, तो यहां दोनों ही अपनी मां के नाम से उनके नाम है और उनके नाम बदले नहीं है, क्योंकि धम्म में आने के बाद में नाम बदल जाते हैं। तो इसका मतलब अगर नाम नहीं बदले हैं और नाम वही हैं, तो कहीं ना कहीं साहित्य में उनका बदला हुआ नाम भी होगा, और अगर उनका बदला हुआ नाम नहीं है तो फिर कहीं ना कोई चीज ऐसी होगी जो कहीं अंतर बताती है, भेद बताती है कि कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि अगर ब्राह्मण वर्ग है धम्मपद के अंदर, तो फिर वहां चमार वर्ग भी होना चाहिए, वहां क्षत्रिय वर्ग भी होना चाहिए, वहां शूद्र वर्ग भी होना चाहिए, वहां पे लोधा वर्ग भी होना चाहिए, वहां माली वर्ग भी होना चाहिए, वहां महार वर्ग भी होना चाहिए, तो वहां सारे वर्ग होने चाहिए, सारे वर्ण जितने भी हैं उनके वर्ग होने चाहिए, मगर ऐसा है नहीं। और कुछ हो ना हो, कम से कम भगवान बुद्ध जिस कुल के थे तो शाक्य वर्ग तो होना ही चाहिए था,
साक्य वग भी नहीं है, समण वग भी नहीं है। भगवान बुद्ध समण थे तो समण वर्ग तो कम से कम होता, तो समण वर्ग भी नहीं है। यानी कि बाद में किसी ने इसको जोड़ा है, क्योंकि कोई बुद्ध किसी भी हालत में ऐसा नहीं कहेगा कि ये क्षत्रिय वर्ग है, ये ब्राह्मण वर्ग है, ये शुद्ध वर्ग है, ये अति शुद्ध वर्ग है, ऐसा नहीं कहेगा। और अगर कोई बुद्ध ऐसा कहता है तो बुद्ध नहीं है, क्योंकि बुद्ध में जब आते हैं, मिक्स होते हैं, तो कोई ब्राह्मण है या वामन है या समण है, वो सारे के सारे ही भिक्खु हो जाते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो हो सकता है कि सारिपुत्र का और महामोगलयन का नाम ऐसा का ऐसा ही रखा हो, क्योंकि वो नाम स्त्री प्रधान थे और उन्होंने नाम बदले ना हो, मगर दोनों ही वमन या ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वमन और ब्राह्मण के अंदर जो पिता की होती है सत्ता, यानी कि पिता प्रधान होता है, वहां माता प्रधान नहीं होती। अगर पिता प्रधान होता है तो सारिपुत्र नाना होके फिर वो जो उसका पिता है उसके नाम पर उसका नाम आता है। जैसे आज के समय में वो सत्ता बदल गई है, कोई मुझसे पूछे कि आपका नाम क्या है तो मैं कहता हूं सुधीर राज सिंह, तो कहता पुत्र पूछता है तो पुत्र लेखराज सिंह, मगर माता नहीं पूछता। यानी कि आज के समय ये नहीं होता सुधीर राज सिंह पुत्र धनवंती सिंह, ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि धनवंती सिंह अगर बोलेगा तो फिर मेरी माँ का नाम आएगा, मगर माँ का नाम भारत में अब नहीं चलता, उसके बाद से यहाँ पिता के नाम ही चलते हैं। पहले माता के नाम चलते थे, क्योंकि सारी जो पुत्र है वो सारी का पुत्र है और मोगलयान मोगलयान का पुत्र है, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर वो ब्राह्मण होते तो पिता के नाम का होता उनका नाम। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sunday.
Vidmani sikha padhing smadhyami Kame sumichachara virmani sikha padhing smadhyami Kame sumichachara virmani sikha